इसमें कोई शक नहीं है कि हर लड़की के मन में शादी से पहले कई तरह के विचार आते हैं। जी हाँ, शादी से पहले हर लड़की बहुत कुछ सोचती है। और अब जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की नए जीवन में प्रवेश करने वाली होती है तो उसके मन में लाखों सवाल उठते हैं। हालांकि उन सवालों का जवाब तो उसे शादी के बाद ही मिलता है। यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे कि शादी से पहले आखिर लड़कियाँ क्या सोचती हैं, तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। अपने बारे में सोचती हैं और शादी से पहले हर लड़की के मन में ये सवाल उठता है कि कहीं वो ये शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही है, कहीं उसने शादी का फैसला करने में जल्दबाजी तो नहीं ले ली, क्या वास्तव में शादी के बाद खुश रह पाएगी वो। हालांकि ये डर तो शादी से पहले हर लड़की को सताता है। लड़के की पर्सनैलिटी राजकुमार जैसी हो। जी हाँ, शादी से पहले अक्सर लड़कियां ये सोचती हैं कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो दिखने में बिल्कुल राजकुमार जैसा हो, वो दिखने में गोरा हो। हालांकि यार, अगर आप केवल लड़के का गोरा रंग देखकर ही उससे शादी करने के बारे में सोच रही हैं तो ये गलत है। जी हाँ, वास्तव में लड़का हर लिहाज में हैंडसम होना चाहिए। क्या वो ससुराल वालों को खुश रख पाएगी? अब ये सवाल तो हर लड़की के मन में आता है, क्योंकि शादी के बाद वो जिस घर में जाती है वहाँ उसके लिए सब कुछ नया होता है। ऐसे में सबको खुश रख पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि शादी से पहले लड़की इस बात को लेकर काफी सोच विचार करती है। क्या उसका पति और जीवो जीवन में भर साथ निभा सकेगा? रिश्ता जोड़ने से पहले ही लड़कियां उस रिश्ते को लेकर काफी चिंता करने लगती हैं, और ये ख्याल तो बार बार उनके मन में आता है कि कहीं उसका दूल्हा उसे धोखा तो नहीं दे देगा। यकीनन ये डर तो हर लड़की को होता है। और इसके अलावा लड़की को ये डर भी सताता है कि क्या उसकी और उसके पार्टनर की सोच मिल पाएगी। घर वालों के बारे में सोचती है। यकीनन हर लड़की बचपन से जिसके साथ रही वो है इसका परिवार, उस परिवार के बारे में तो जरूर सोचती है। जी हाँ, हर लड़की ये सोचती है कि कहीं उसकी शादी को लेकर उसके माता पिता पर कोई बोझ तो नहीं है, यानी वो हर लिहाज से अपने परिवार को खुश रखने के बारे में जरूर सोचती है। क्या शादी के बाद काम कर पाएगी बाहर? अब आज के समय में लड़कियां शादी के बाद भी बाहर काम करना बहुत पसंद करती हैं, इसलिए वो एक ऐसा दूल्हा या लड़के को चुनाव करने में इस बारे में सोचती हैं जो उसे बाहर काम करने की इजाज़त दे, या उनके मन में ये ख्याल भी आता है कि जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है क्या वो उसे बाहर काम करने की इजाज़त देगा, आज़ादी मिलेगी या नहीं। यकीनन यहाँ आज़ादी का मतलब केवल घूमना फिरना नहीं, बल्कि यहाँ आज़ादी का मतलब सोच और विचारों की आज़ादी से है। हर लड़की ये जरूर सोचती है कि क्या शादी के बाद उसे वो आज़ादी मिलेगी जो उसे अपने घर में मिलती थी। इसके अलावा लड़की के मन में ये ख्याल भी आता है कि क्या शादी के बाद उसे अपनी बात रखने का और बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं। अब लड़की अपना घर छोड़कर नए घर में जाती है और वहाँ सबको अपना बनाती है, तो ऐसे में लड़की को इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए कि वो खुलकर अपनी बात को रख सके। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।